क्या डाल रहे हैं? ये है ट्राइकोडर्मा विरिडी, अच्छा, ये रोग से मुक्त रखेगा पौधे को। इसको कहाँ डाल रहे हैं? ये पहले से जो सड़ा हुआ गोबर है उसके ऊपर डाल रहे हैं, और ये इसके ऊपर कुछ दिन में जाल जैसा बना देगा ये गोबर के ऊपर। अच्छा, और जब ये गोबर है, गोबर का पीठ है। हाँ, ये सड़ा हुआ गोबर है और इसी के ऊपर इसको डाला जा रहा है। ये फायदेमंद फंजाई है। अच्छा, और जितना फंगस से जितना बीमारी होता है उसको ये रोकने का काम करेगा। अच्छा, उजला पाउडर जैसा है। हाँ, और आसान है छिटने के लिए। तो ये ऑर्गेनिक के लिए है कि इनऑर्गेनिक कंपोस्ट हुआ, बायो कंपोस्ट हुआ, या क्या बोलेंगे इसको? ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये तरह से जीवाणु है जो कि फंगस है। हाँ, जो कि लाभदायक है। और फंगस के कारण जितनी बीमारी होती है, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे किसी भी कारण से, वो उसको ये रोकने का काम करेगा। जैसे जड़ गल जाता है या डाई बैक है जो पौधा मरने लगता है। कितना गड्ढा इसमें खोदे हैं आप? इसमें अभी हम तत्काल 1.5 फीट खोदे हैं। ये अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, फिर इसको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर। ट्राइको पावर पाउडर कहाँ से लिए आप? ट्राइको पावर जो है वो इफ्को बाजार का प्रोडक्ट है, और ये टेक्निकली चाहे किसी भी जगह का हो, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी का इसमें कंसेंट है। केमिकल है कि क्या है? केमिकल नहीं है, ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ही जाता है। अब ये मिल गया इसमें और इसी में ये ग्रो करेगा। अच्छा, जो पाउडर आप इसमें डाले थे वो इसमें मिल उसको गया, मिला दिए। हाँ, और मिल गया ऊपर तो, वाले परत में। हाँ, और इसी में अब ये ग्रो करेगा। और इसी में ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद इसमें और हम लोग 2-3 दिन छोड़ देंगे तो खूब बढ़िया ग्रो इसका है। चलिए, तो फिर 3 दिन के बाद मिलते हैं हम लोग। हाँ, ओके। चारों बगल से लेमन ग्रास है ना? एक तरह से ये नेचुरल रोगनाशक है। और उन्हें ये जो पीट बन गया है वो नेचुरल बन गया है ना चारों बगल से। छाया भी चाहिए तो छाया भी आ जा रहा है, अधूप भी आ जा रहा है, अधूप भी आ रहा है। धूप से तो अभी इसको बचाना चाहिए, लेकिन गर्मी चाहिए, धूप से गर्मी भी आ रहा है। उसको मिला दिया आप ट्राइको पावर को? हाँ। ओह, बायोडीजल का दो वैरायटी।
मल्टी स्पाइस। इसको आप इस तरह से ढक दिए है ना मिलाने के बाद, ताकि पानी जो है।